इसको मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि नीचे से धूल मिट्टी ना लगे बैग में। ये मेरा लैपटॉप बैग है और ये हेलमेट है, ये ग्लव्स हैं, ये अभी चेंज करना है, ये गोप्रो, और ये मेरा है भाई टैंक बैग। तो अभी कर लेते हैं जरा डिनर मस्त एकदम खा पी के, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से, ऋषिकेश पहुंच के करेंगे आराम। इसके बाद ये अपना जैकेट पहनेगा, ठीक है, तीन ऑलरेडी हो गए, दो वार्मर पहने अंदर से, दो जैकेट हो गए, तो ये चार हो गए, और ये एक ये स्वेटर है हुडी, तो टोटल पांच हो गए। कुछ ना दिख रहा आगे, अरे रे 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 भाई साहब, तगड़ी धुंध है भाई, देख रहे कैसे सामान पड़ा हुआ ये देखो। तो चलो यार अभी सो जाते हैं, तो सर चुप, बाय 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 बाय, चलो ये ले, चल बाय बाय। तो गाइस अभी क्या है, फुल्ली पैक्ड, और पीछे बैकग्राउंड नॉइज देख रहे कितना आ रहा है। हम जा रहे हैं पहले करण प्रयाग, तब प्लान है हमारा तुंगनाथ चोपता का, बट पहले एक दोस्त की इंगेजमेंट है वहां जा रहे हैं, और वहां से आने के बाद हम जाएंगे चोपता। तो दो तीन भाग आने वाले भाई, शेरू को हमने बाय बाय कर दिया है। अगर आपको आवाज अच्छे से आ रही है तो बहुत ज्यादा नॉइज है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ। एक बार हम आपको दिखा देते हैं धन्नो, ये अपनी धन्नो है क्या, ज्यादा लोड नहीं है एक्चुअली। जो सामान था, मम्मी भी गांव गई है, तो जो सामान था मेरा मैंने क्या करा, वो गाड़ी में भिजवा दिया है, और अपन सिर्फ बाइक ले जा रहे हैं। ये मेरा लैपटॉप है, अगर ये गाड़ी का कुछ औजार होते हैं जो बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये मेरा बनी हेलमेट क्या करेगा कि डबल काम करेगा, एक तो अपने को ठंड से बचाएगा और बाकी स्टाइलिश तो है ही। ये अपना ग्लव्स, ये अपना मैप लग गया है टैंक बैग के ऊपर, और बुलेट। तो एक और दोस्त है जो वेट कर रहा है नोएडा में, तो फटाफट से पहुंचते हैं नोएडा, और उसके बाद अपन निकलते हैं सीधे। तो मिलते हैं गाइस आपसे आगे, मैं कर लेता हूं अपना एक्शन कैमरा गोप्रो शुरू। तो गाइस बात यह है कि आपको दिख रहा होगा कम, और हो सकता है साउंड भी आ रहा होगा कम, लेकिन अपन हो गए फुल। एक छोटा सा काम रहता है अपने को, क्या करना है कि पेट्रोल कराना फुल, ठीक है, पेट्रोल भरवाते हैं फुल, और उसके बाद चल पड़ते हैं भाई यहाँ से सीधे। और ये जो ग्लव्स हैं ना ये वाले भाई, ये ठंड नहीं बचाने वाले हैं, क्योंकि जो मेरा दूसरा ग्लव्स है ना उनसे गाड़ी नहीं चल रही, क्योंकि वो बुलेट के बाइक के मतलब बाइक राइडिंग के ग्लव्स नहीं है। और जो ये मैंने पहन रखे हैं ये हैं भाई समर के, और गर्मी लग रही है, ये ठंड लग रही है यहीं से, तो आगे पता नहीं क्या होगा, उतारना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है भाई साहब। लेकिन गोप्रो है ना, तुम्हें पता है गोप्रो लो लाइट में इतना थर्ड क्लास परफॉर्मेंस करता पूछो मत। तो मैंने सोचा गोप्रो लेते वक्त मैं नाइट में कभी करूंगा नहीं भाई, लेकिन मुझे पता नहीं था कि करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, नाइट में जा रहे हैं, निकल रहे हैं, और क्या है कि वीडियो के ना काफी सारे पार्ट्स आएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। शेरू नहीं है, शेरू के बिना जाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्त की इंगेजमेंट है तो इसलिए शेरू को वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं। बहुत जल्दी शेरू के साथ भी प्लान हो रहा है, तो आप बने रहे वीडियो में। और अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, मिलते हैं आपसे आगे। अंधेरा हो रखा गंदा वाला, और हमने पेट्रोल वगैरह सारा कुछ भरवा चुके हैं नोएडा बस में, नोएडा बस तो नहीं लेकिन नोएडा पहुंचूंगा मैं थोड़ी देर में, मतलब 10-20 मिनट के आसपास नोएडा पहुंच जाऊंगा, वहां से अपने दोस्त को उठाऊंगा और उसके बाद हम चल देंगे सीधे, ठीक है। एक दिक्कत ये रह गई कि भाई मेरी गाड़ी का जो ब्रेक है हल्का सा अटक रहा नीचे करने पे, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने बुलेट चलाई नहीं, मैं स्कूटी पे ही चल रहा था, तो ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब, है ना। एक मिनट मुझे लगता है मुझे ऊपर चढ़ना है, तो भाई बहुत टेंशन है यार। एक तो ना इसमें माउंट नहीं है, जब तक दोस्त नहीं बैठ जाता मेरा तब तक माउंट नहीं है, तो मैं जीपीएस नहीं लगा पा रहा हूँ। अंधेरा बहुत है जैसे कि आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है, इतना अंधेरा एक्चुअल में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा गोप्रो के साथ दिक्कत है लो लाइट में। तो जब तक कि दोस्त नहीं मिल जाता है मेरा तब तक, ओ भाई 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 भाई, भाई है तेरी, तो
तो जब तक कि दोस्त नहीं मिल जाता मेरा तब तक मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। मैंने जो टैंक बैग है उस पर मैंने अपना दूसरा वाला फ़ोन लगा के उस पर मैंने GPS ऑन किया है, तो वो फ़ोन क्या है इतना नीचे, मतलब वो तो मेरा सीधा छाती के नीचे आ रहा है टैंक बैग, तो मुझे बहुत झुकना पड़ रहा है। जब मैं उसको देख रहा हूँ तो सामने का व्यू नहीं कुछ दिख रहा है, तो थोड़ा सा रिस्की है इसलिए मैं इतना देख नहीं रहा हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं और मैं पहुँचने वाला हूँ नोएडा। एक बार दोस्त आ जाएगा तो उसके बाद क्या है कि वो पीछे आराम से GPS देख सकता है ना। और मम्मी लोग भी जा रहे हैं साथ साथ गाड़ी में, तो वो गाड़ी तो मेरे ख्याल से नोएडा क्रॉस कर चुकी है और वो जाएंगे नोएडा एक्सप्रेसवे से और हम जाएंगे भाई साहब ऐसे वो वाले रूट से, तो मुझे नहीं लगता कि हम उनको पकड़ पाएंगे अगर वो कहीं रुकेंगे नहीं तो। बाकी कोई दिक्कत है नहीं, वो लोग सीधे चले जाएंगे घर पे आराम से। पर मैंने सोचा था साथ साथ जाते तो अच्छा था, बट मैं हो गया लेट घर से, मैं ऑफिस से ही लेट हो गया था। तो गाइस क्या है, पहुंच गए हैं मेरठ एक्सप्रेसवे। पीछे देख रहा रोड, तो पूरा मेरठ एक्सप्रेसवे है ठीक है ये, और जो मेरा दोस्त है वो पीछे खड़ा है। मैंने उसको बुलाया तू आ गया, अगर मैं इधर रॉन्ग साइड गया तो आगे जाकर यू टर्न लेके आना पड़ेगा। तो मेरठ तो पहुंच ही गए भाई, और अपनी तो देख रहे हो गाड़ी ऑलमोस्ट लोडेड है। इसमें मैं बताता हूँ क्या है कि जो मेरा बैग था ना, बैग मेरा बढ़िया वाला, वो मैंने भेज दिया। अब इसमें गाड़ी के ये जो पंचर वंचर किट होते हैं ना, वो सारी चीजें हैं। इसको मैंने इसलिए लगा रखा है ताकि नीचे से धूल मिट्टी ना लगे बैग में। ये मेरा लैपटॉप बैग है, और ये हेलमेट है, ये ग्लव्स हैं, ये अभी चेंज करना है, ये GoPro, और ये मेरा है भाई टैंक बैग। और दोस्त आ रहा है इधर से कहीं से, पता नहीं कहाँ है भगवान जाने। तो ये आता है, ये धनो फुली लोडेड है, ठंडा बहुत है भाई। तो गाइज हो गए हैं फुली पैक, और ये रहा भाई दोस्त। एक मिनट इसको लाइट में दिखाता हूँ, मैं अभी झोदा देख रहा हूँ। तो भाई ठंडा है ना बहुत ज्यादा, तो पता नहीं कैसे ट्रैवल कर रहे, फट रही है। अभी निकलते हैं यहाँ से, GoPro थोड़ी देर के लिए चालू करूंगा हाईवे पे, उसके बाद सीधे मिलेंगे ऋषिकेश या जहाँ पर डिनर विनर करेंगे वहाँ पे। सब चीज हो गया रेडी, जय माता दी, और निकल रहे हैं नोएडा से ऋषिकेश के लिए भाई। वहां से चलेंगे अपन सीधे अपने गांव के, गांव तो नहीं, तो ये जो मेरठ एक्सप्रेस वे है वो राइट से निकल गया है और हम जा रहे हैं आनंद विहार होते हुए। क्योंकि अगर आप गलती से मेरठ एक्सप्रेस वे में निकल गए ना भाई, पहले तो चलान नहीं था वहां पे, लेकिन अभी क्या कर दिया 20,000 रुपये का चलान कर दिया, क्योंकि बंदे भाई मान ही नहीं रहे, जा ही रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या करा अभी 20,000 का चलान कर दिया। तो चलो निकल गए हम लोग यहाँ से, और मिलते हैं आपसे आगे जहाँ पे भी हम खाना वाना खाएंगे वहाँ पे। चल देखते हैं यार कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, और ठंडा कहीं से हवा घुस रही है सर पे, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल लग रही है, पता नहीं कहाँ से यार। तो फाइनली गाइस मेरठ भी क्रॉस कर लिया है, लगभग 100 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं, और ठंड में चाय का मजे भाई, बहुत ठंड है, मतलब हालत खराब है फिर भी मजा तो आ रहा चलने में, है ना। तो ये रही अपनी चाय, और ये रहा अपना डिनर, ये देखो ये और ये अपना ढाबा नीचे, धनो खड़ी है मस्त एकदम, ठंड बहुत है यार। तो अभी कर लेते हैं जरा डिनर मस्त एकदम खा पी के, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से ऋषिकेश पहुंच के करेंगे आराम। यार तो अभी हम तुम्हें दिखाएंगे जैकेट की लेयर, दो टी शर्ट ऑलरेडी इसके अंदर है ठीक है, एक टी शर्ट इसके अंदर, एक और टी शर्ट है दिख रहा होगा साहब। अब ये मेरा जैकेट पहनेगा इसके बाद ये मैंने लिया था कि रास्ते में चलो ठंड वंड लगेगी तो अपन पहनेंगे, तो अभी तो फिलहाल इतना कोई ठंड नहीं लग रहा, मुझे लग रहा कि आगे लगेगा, तो फिर मैं इससे निकलवा लूंगा इसको वापस। इसके बाद ये अपना जैकेट पहनेगा ठीक है, तीन ऑलरेडी हो गए, दो वार्मर पहने अंदर से, दो जैकेट हो गए, तो ये चार हो गए, और ये एक ये स्वेटर है हुडी, तो टोटल पांच हो गए। अभी पहन रहे हैं, पहनने देते हैं इसको, दो हुडी के बाद भी ठंड लग रही है सोचो, वो भी मेरे पीछे बैठा हुआ है बाइक में,
और धुंध देख रहे हो भाई साहब, तगड़ी धुंध है। और इसके बाहर से ये लपेटेगा सॉल। अरे भाई लग रहा कपड़ों से दब जाएगा। चलो गाइस बाय बाय फिलहाल। तो धुंध देख रहे होंगे तुम भाई साहब, हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। ऐसा लग रहा बादलों के बीच आ गए भाई, कुछ ना दिख रहा आगे। अरे रे 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 भाई साहब, तगड़ी धुंध है भाई, भयंकर। तो गाइस जैसे हम मेरठ क्रॉस करते हैं, मेरठ क्रॉस करने के बाद थोड़ा हम आगे जाके हम सोचते हैं कि चलो यहाँ पे डिनर कर लेते हैं, जो आपने पीछे देखा होगा। वहां पे जैसे हम डिनर करते हैं तो अराउंड टाइम हो जाता है 11:30-12 के आसपास। और भाई साहब आप रोड पे देख सकते हो कितनी धुंध है, मतलब कि लिटरली बता रहा हूं मैं, 10 मीटर से आगे की विजिबिलिटी नहीं थी। मैंने अपना हेलमेट का वाइजर वगैरह सारा खोल दिया था कि आगे कुछ दिखे, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं। अगर अभी आप देखोगे तो सामने आपको पूरा ब्लैक दिख रहा है। तो पूरे रास्ते मैंने ऐसे ही बाइक चलाई है। वो तो बीच रास्ते में कोई लोकल का शायद बंदा था, वो बहुत स्पीड में भाई अपनी स्प्लेंडर चला रहा था, तो मैंने उसके स्प्लेंडर के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी, मतलब अपनी बुलेट लगा दी और उसके साथ साथ चलता है। तो काफी दूर तक उसके सहारे हम निकल गए। अभी यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो रोड पे व्हाइट लाइन है ना, इसको देख के मैं चल रहा हूँ। मुझे आगे की कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है कि अगर आगे कोई गाड़ी आ गई, कुछ भी आ गए, तो मैं ब्रेक मारूंगा, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। बट पीछे से अगर कोई गाड़ी इतनी रात को इस धुंध में तेजी से आ रही है और उसने ठोक दिया, तो उसका कोई इलाज नहीं है फिर तो। बहुत ही एडवेंचरस था और साथ के साथ डर इतना लग रहा था कि आप पूछो मत। तो आई प्रिफर कि यार नेक्स्ट टाइम से जैसे अगर आप जाते तो ग्रुप में जाया करो, जैसे 7-8 बाइकें चल रही है तो फिर लाइट वाइट हो जाती है रोड पे, कोई इतना दिक्कत होता नहीं है। और बहुत सारी गाड़ियां चलती है तो पीछे से आगे से कोई गाड़ी होगी तो उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई चल रहा है, तो वो लोग केयरफुली चलते हैं। अकेले चलने में बहुत ज्यादा रिस्क है, बहुत ज्यादा। ऊपर से क्या हो क्या रहा था कि ओस गिरने लगी, तो उससे हम भीगने लग गए थे उसकी वजह से। और अभी यहाँ पे जैसे हम रुके चाय पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ये जो मेरे ग्लव्स वगैरह थे गीले हो गए, तो जैकेट भी मेरा गीला होने को था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा रुकते हैं, हम चाय वाय पीते हैं, थोड़ा सा ग्लव्स व्लव्स सूखने देते हैं। लेकिन ठंड तो उतना नहीं था, जो मैंने कपड़े अपने अच्छे से पहने थे, इनर वगैरह बहुत सही मैंने पहन रखे थे। लेकिन जब हम मैं रोड पे चल रहा था तो ऊपर से ओस गिर रही थी, जिसकी वजह से मतलब हाथ गीले हो गए और ठंड बहुत ज्यादा होने लग गई। और धुंध बीच बीच में तो धुंध इतनी थी कि मतलब 5 मीटर भी मतलब विजिबिलिटी, 5 मीटर की विजिबिलिटी नहीं थी। तो जैसे तैसे करके हमारे साथ में एक बाइक और चल रही थी हिमालयन, वो भी कहीं टूरिंग पे जा रहे थे। तो हम लोगों ने फिर क्या करा कि साथ साथ चलना स्टार्ट किया। मे भी वो वीडियो में ना आए हों, तब तक मैंने कैमरा बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी ठंड थी कि गोप्रो की जो बैटरी थी वो भी बहुत ज्यादा जल्दी से ड्रेन हो रही थी, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। आगे हम पहुंच जाते हैं हरिद्वार, वहां पे रूम लेते हैं और वहीं रुकते हैं, वहां से फिर हम सुबह निकलते हैं। ये था पार्ट वन, पार्ट टू आएगा हरिद्वार से सीधे गाँव तक वाला। तो ये है भाई रूम का हाल, देख रहे हो कैसे सामान पड़ा हुआ, ये देखो। तो चलो यार अभी सो जाते हैं, ठीक है, और मिलेंगे कल सुबह यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या हाल चाल है गाइस, अभी बज रहे हैं 4:00 और हम पहुंच गए हरिद्वार। और यहाँ पे हमने ले लिया होटल, एक बार मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, ये सो रहा है, ठीक है। हम पहुंच चुके हैं होटल है भाई, इतनी धुंध थी मतलब मरते मरते बचे हैं, पता नहीं कैसे यहां तक पहुंच गए। तो आज का ब्लॉग क्या है कि यहीं पे खत्म करते हैं, कल सुबह भगवान शिव की नगरी हरिद्वार से हम अपना दिन शुरू करेंगे और पहुंचेंगे अपने गंतव्य तक, डेस्टिनेशन, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।